हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं और कैसे इनको हम क्लासिफाई करते हैं, उसी पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनाल्जेसिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो एनाल्जेसिक्स आर पेन रिलीवर्स, ऐसी ड्रग्स जो पेन को क्या करें, रिलीव करें, या इसको हम शॉर्ट में पेन किलर्स भी बोलते हैं, जो पेन के सेंसेशन को किल कर दे। तो ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। तो बेसिकली एनाल्जेसिक्स होते कितने टाइप के हैं, तो इसको हम जनरली दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एनाल्जेसिक्स की दो कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक और दूसरी आती है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को ही हम बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक को हम बोलते हैं नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक। सो आइए बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो बेसिकली दोनों दर्द को कम करते हैं या दर्द को खत्म करते हैं, मगर इनमें डिफरेंस इनके साइट ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। मींस अगर मैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करूं तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है इट रिलीव्स पेन बाय ब्लॉकिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके दो चीज आती हैं, एक आता है ब्रेन प्लस दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप अभी इतना समझ लीजिए कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है ये दर्द को कम करते हैं, किसको ब्लॉक करके, या तो ये ब्रेन को ब्लॉक कर देंगे या स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक कर देंगे। तो ये दोनों ही पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, या ये जो दवाइयां हैं ये दवाइयां सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर असर डालती हैं। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, तो ये भी पेन किलर है, पेन रिलीवर है, बट इट रिलीव्स पेन बाय ब्लॉकिंग सिंथेसिस ऑफ पेन मीडिएटर्स। अब ये पेन मीडिएटर्स क्या होते हैं, तो जनरली पेन मीडिएटर्स वो केमिकल होते हैं जो पेन के सेंसेशन को दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो पेन मीडिएटर्स को हम बोल सकते हैं ये बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ये प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन कौन से उसमें पेन मीडिएटर आते हैं, तो आप जनरली अभी इसमें सिर्फ कुछ नाम याद रख लीजिए, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मुख्यतः जो पेन मीडिएटर होता है वो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये वो केमिकल हैं जो हमारे शरीर में दर्द का कारण होते हैं, अगर ये बन रहा है तो हमें दर्द होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये सारे आपके पेन मीडिएटर हैं, तो इनकी वजह से हमें दर्द होता है। तो ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है ये इन पेन मीडिएटर के ऊपर या इनके सिंथेसिस को ब्लॉक करके दर्द को खत्म करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों में हो क्या रहा है, तो इसको मैकेनिज्म को जरा हम समझें। तो सपोज मान लो कि ये हमारी बॉडी का स्किन है, और स्किन पर अगर कहीं पर भी इंजरी हुआ है, और इंजरी हुआ है, इन्फ्लेमेशन अगर यहाँ पर हुआ, इंजरी या इन्फ्लेमेशन होगा स्किन में, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन, ये जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये पेन मीडिएटर जब यहाँ पर रिलीज होंगे तो यहाँ स्किन के अंदर कई सारी न्यूरॉन की सेल होती हैं जो सीधे पहले जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये जाती हैं ब्रेन तक। तो एक्चुअली यहां पर ये जो केमिकल बनते हैं, ये केमिकल इस न्यूरॉन के साइट पर होते हैं कुछ पेन रिसेप्टर, क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर। तो ये जो केमिकल हैं इन पेन रिसेप्टर को, इस न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पर पेन रिसेप्टर को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और यहां से पेन का स्टिमुलस जनरेट होता है, और ये पेन का स्टिमुलस जाता है हमारा कहां पर, पहले स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये जाता है ब्रेन तक। तो कहीं ना कहीं पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन, और ये कहाँ बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन या साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये दवाएं इन प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं, और अगर जब ये ब्लॉक कर देगी तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन बनेंगे नहीं, और जब ये बनेंगे नहीं तो कोई पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा, और ब्रेन तक कोई पेन का सेंसेशन पहुंचेगा नहीं। तो नॉन नार्कोटिक यहां पर काम करके इस पेन को रिलीव करते हैं, बट नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक एक्चुअली क्या होते हैं, ये वो केमिकल हैं जो पेन रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाते हैं, या
यूं कहें कि स्पाइनल कोड में जाकर के ये जो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन से जो मैसेज स्पाइनल कोड तक आ रहा है, यहां पर इस मैसेज को आगे बढ़ने से ये रोक देते हैं, तो ब्रेन तक हमारा मैसेज आगे पहुंच नहीं पाता। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है ये इस पेन रिसेप्टर को जाकर के बाइंड हो जाते हैं और पेन रिसेप्टर को जाकर के ये ब्लॉक कर देते हैं। तो जब पेन रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो कोई भी पेन का सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो इस तरीके से पेन का हमें फील नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में आती हैं और ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में आती हैं? तो जनरली जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं ये ओपियम से हमें मिलती है, ओपियम ओपियम पॉपी एक्सट्रैक्ट से ये सारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हमें मिलती हैं। इसमें मुख्यतः जो एग्जाम्पल आते हैं वो हैं मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक टोटली नेचुरल ड्रग्स हैं जो हमें ओपियम प्लांट से मिलती हैं और ये काफ़ी पोटेंट होती हैं। इनका जरा सा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में ही ये बहुत सीवियर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और जनरली चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड पे जाकर के असर करती हैं, तो इसीलिए इन दवाओं से आदत बन जाती है, मतलब हमारी आदत बन जाती है, बिना इन दवाओं के हमारा दर्द कभी भी खत्म नहीं होता। तो जनरली इनको हम नॉर्मल पेन के केस में अवॉइड करते हैं लेना। इसके जस्ट विपरीत दूसरी होती है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो जैसे ये नेचुरल थी तो ये पूरी कंप्लीटली क्या है, नॉन नार्कोटिक, पूरा सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक ड्रग मतलब ये पूरा लेबोरेटरी में हमने बनाया है, ये नेचर में हमें नहीं मिलता। तो सिंथेटिक ड्रग में कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन। तो ये सारी दवाइयाँ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आती है। इनको लेने से हमें कोई आदत नहीं बनती है और ये सेफ भी मानी जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एनाल्जेसिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।